रीट पेपर लीक मामला सामान्य मामला नहीं है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो अभी पकड़े नहीं गए। इसमें सुभाष गर्ग जो मंत्री राजस्थान सरकार की, इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा और स्वयं मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। और इसीलिए तो जारोले ने कहा है मुझे राजनीतिक संरक्षण से फंसाया जा रहा है, और ये तो राजनीतिक संरक्षण ही हुआ है। तो क्या रीट की असली गुनहगार सरकार और उसके मंत्री हैं? प्रदेश में 4 महीने पहले एक परीक्षा हुई, परीक्षा को लेकर सरकार और उनके मंत्रियों ने खूब वाहवाही लूटी। जब सवाल हुआ परीक्षा के पेपर लीक का, तो सरकार और उनके मंत्रियों ने लगातार विपक्ष पर भड़काने का आरोप लगाया। अब जब परीक्षा पेपर लीक की बात पर सरकार की गठित एसओजी ने ही मुहर लगा दी, तो विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिलावर ने कहा कि पेपर लीक मामला सामान्य नहीं है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मित्रों नमस्कार। राजस्थान का रीट पेपर लीक मामला सामान्य मामला नहीं है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसमें सुभाष गर्ग जो मंत्री राजस्थान सरकार की, इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री कार्यालय के बहुत बड़े अधिकारी और स्वयं मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। इतना बड़ा स्कैंडल वैसे ही नहीं हो सकता, और इसीलिए तो जारोले ने कहा है मुझे राजनीतिक संरक्षण से फंसाया जा रहा है, और ये तो राजनीतिक संरक्षण ही हुआ है। राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुए हैं, ये यही कहने जा रहे हैं जारोले। चाहे मुख्यमंत्री इसकी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या जनता को बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन वही कहने जा रहे हैं कि आपने ही तो कहा था पेपर आउट कराने के लिए, ताकि अरबों रुपए कमाए जा सके और राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को दिए जा सके। इसीलिए तो मैंने सब कुछ किया है, अब मेरे को क्यों फंसा रहे हो, ये कहने के लिए जारोली जा रहे हैं। इसलिए जारोली को केवल, ये तो चौथे पांचवें नंबर का बलि का बकरा है। अभी तो मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य सरकार बैठे हुए मंत्री हैं, ये सब शामिल हैं, और अब झुंझुना पकड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हम कानून लाएंगे, कठोर कानून लाएंगे। अभी तक क्या तुम्हारी नानी मर गई थी क्या? अभी तो आप कह रहे थे पेपर आउट ही नहीं हुआ है, ये बीजेपी के लोग हल्ला कर रहे हैं, और इनका इस पेपर जो हो गया था और जो आउट होने की बात आप सामने आए, तो इनका ये बहुत बड़ा उत्सव है हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के मंत्रियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव था रीट पेपर लीक मामला। ये उत्सव मना रहे हैं ना, मलाई खा रहे हैं, लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सच बोलो, जनता को गुमराह मत करो, और आपके समेत जांच आपको शामिल करते हुए कि मेरी भी जांच की जाए, सीबीआई को दे दो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सारी परीक्षा को रद्द करो। रीट पेपर लीक मामले में अब तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारोली को बर्खास्त करने के साथ ही दो और अधिकारियों, जिनमें कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय डॉक्टर सुभाष यादव और सहायक निदेशक डॉक्टर बीएस बराना को भी निलंबित किया गया है। साथ ही रीट परीक्षा की जांच में लिप्त पाए जाने वाले कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने और जांच में आरोप साबित होने पर बर्खास्त करने का भी ऐलान कर दिया गया है। अब देखना है इस पेपर लीक मामले की जांच में और कितने मगरमच्छ हैं जो एसओजी की पकड़ से अभी भी दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।